वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड एडवांस एजुकेशन मैं उमेश सेनरा पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर और ये क्लास फिफ्थ के लिए है नाउ द टॉपिक इज़ नाउंस जेंडर नाउंस जेंडर नाउन के बारे में आप पहले ही जानते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग आज जेंडर के बारे में जानेंगे जेंडर जेंडर कौन कौन से होते हैं ओके okay? देखिए द नाउन दैट रेफरस रेफर टू मेल पर्सन और एनिमल्स बिलोंग टू दस्कलाइन जेंडर मस्किलिन जेंडर मस्किलिन जेंडर क्या है वो नाउन जो किसी मेल पर्सन या एनीमल को से बिलोंग करता हो वह मस्किलाइन मस्किलिन जेंडर होता है जेट क्लियर अगेन मेल मेल पर्सन और एनिमल यहाँ किसी थिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ एक वर्ड आप देख रहे हो देर इज़ नो एनी वर्ड ऑफ थिंग किसी वस्तु के बारे में नहीं कर रहे हैं बात एनिमल्स के बारे में या पर्सन के बारे में वो नाउंस जो मेल पर्सन या एनिमल के बारे में को बिलोंग करते हो वो जेंडर बोलते हैं वहीं द नाउन दैट रेफर्स टू फीमेल पर्सन और एनिमल बिलोंग्स टू फैमन gender is that clear feminine gender means ladies female person or animals and masculine means male person or animal is that clear and another is common gender common gender the noun that can be used for both male or female belong to the common gender wo noun जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं वो कॉमन जेंडर होते हैं और एक होते हैं न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल जेंडर किसके लिए यूज़ होते हैं द नाउन दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स वो वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग है यानी जिनमें जीवन नहीं है उनके लिए जो यूज़ होते हैं चाहे वो मेल हो और फीमेल हो दे बिलोंग टू जेंडर यानी न्यूट्रल जेंडर जो यूज होते हैं नॉन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं कॉमन जेंडर दोनों के लिए यूज़ होते हैं मेल और फीमेल फीमेल के लिए फैमिल जेंडर होते हैं और मस्कुलिन जेंडर फॉर मेल पर्सन और एनिमल्स के लिए होते हैं अब देखते हैं कि ये चैप्टर आखिर इन बातों को समझा कैसे रहा है एज नाउन हैव नंबर्स दे हैव जेंडर टू जैसे नाउन के नंबर्स होते हैं वैसे ही उनके जेंडर भी होते हैं जेंडर डोनेट्स वेदर अ नाउन इज ए मेल और ए फीमेल और कॉमन फॉर और कॉमन फॉर बॉथ और आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट जेंडर डोनेट्स करता है कि नाउन मेल है फीमेल है या कॉमन है या फिर वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है लुक एट दीज सेंटेंसेज इन सेंटेंसेस पर देखें वेन ए ब्रेव किंग सॉरी ही वॉज ए ब्रेव किंग वह एक बहादुर राजा था हर हसबैंड इज ए टीम लीडर इन ए बिग फॉर्म। उनका हसबैंड उसका हसबैंड एक टीम लीडर था टीम लीडर है एक बड़ी फर्म में योर अंकल इज ए डॉक्टर तुम्हारे अंकल एक डॉक्टर हैं द मैन वियरिंग आ स्ट्रो हैड इज़ अ इज़ अ प्रिंसिपल मैन जो कि किस्ट्रो हैड ओढ़े हुए हैं वो एक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है माय ब्रदर स्टडीज इन क्लास फोर्थ मेरा भाई क्लास फोर्थ में पढ़ता है द वर्ड्स इन इटैलिक्स जो वर्ड इटैलिक्स हैं इटैलिक्स कौन कौन से हैं थो, जो थोड़े टेढ़े से बने हुए हैं किंग हसबेंड अंकल अंकल एंड हेअर वॉट ब्रदर मैन ये क्या है सब इटेलिक्स हैं ये दर्ड्स इन इटेलिक्स आर यूज फॉर मेल ये सभी मेल्स के लिए यूज होता है किंग हसबैंड अंकल ओके मैन ब्रदर ये सब क्या मेल के दीज दे बिलोंग टू द मस्किलन जेंडर ये सभी क्या है मस्किलन जेंडर हैं हेयर लुक नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ये इन सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए आप द वुमन इन पिंक साड़ी इज माई मदर औरत जो कि पिंक साड़ी में वो मेरी माँ है योर सिस्टर स्टडीज इन क्लास सिक्स देर आर टेन हैंस इन दूप द प्रिंसेस लुक्स हैप्पी डॉक्टर नीलिमा इज माई आंट अब इसमें कुछ टेलिक्स वर्ड हैं वो सिस्टर हैंस प्रिंसेस आंट ये सब क्या है सभी लेडीज़ के लिए यूज़ किए गए हैं यानी फीमेल जेंडर के लिए यूज़ किए गए हैं इसलिए सभी क्या हैं ये फेमन जेंडर्स हैं नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस राजेंद्र वाज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड्स राजेंद्र अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था फ्रेंड्स यहाँ एक कॉमन वर्ड है फ्रेंड्स मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है इसलिए कॉमन जेंडर है द सिंगर 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 मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है स्टॉल द शो द डॉक्टर डॉक्टर भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ये कॉमन जेंडर है इज हेयर टू एग्जामाइन द पेशेंट माई नेबर पड़ोसी भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं इज ए गुड पर्सन दे मेट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी दोनों हो सकते हैं मेल और फीमेल इसलिए कॉमन जेंडर है ओके द नाउन The words in dialectics can be used, italics can be used for both male or female, they belong to common gender. The noun that can be used for both male or female belongs to the common gender. Now read these sentences. I mean sentences ko A cup of tea cost 5 rupees. The school is 2 kilometers from here. The soap

दे आर द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ये निर्जीव वस्तुओं के नाम है दे बिलोंग टू आ न्यूट्रेजेंडर इनको न्यूट्रेजेंडर में रखा गया है इज दैट क्लियर नाउ एक्सरसाइज एक्सरसाइज में क्या करेंगे राइट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन अब देखो ये है ना इनको आप इनके जेंडर आगे लिखने हैं ये मेल है यानी फेमेन है या मस्किलेन है, या masculine है, या masculine है या न्यूटर है या कॉमन जेंडर है बस बस क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है ये क्या है न्यूटर है अंकल मेल है तो इनको क्या रखेंगे क्या रखेंगे इनको मस्कुलिन मस्कुलिन रखेंगे एंड टॉयस टॉयज भी निर्जीव हैं इनको भी हम किस में रखेंगे न्यूटर में रखेंगे मदर फीमेल है फैमलिन में इस तरीके से आपको जितने भी नेम है ट्वेंटी तक इनको इनके आपको जेंडर लिखने हैं रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द मस्किलिन नाउन टू द फैमिन आप मस्किलिन नाउन को आप फैमिलिन में चेंज करके आप इनको सेंटेंस को बनाएंगे दफा वन हैज बिन डन फॉर यू पहला आपके लिए बनाया गया ए मैन वॉज प्लेइंग विद हिस सन एक आदमी अपने बच्चे के साथ खेल रहा था मैन का वुमेन कर दिया मे इसका जेंडर चेंज कर दिया मेल को फीमेल में यानी मस्किलिन को फैमिलिन में चेंज कर दिया तो मैन की जगह वुमन आएगा ए वुमेन वॉज प्लेइंग विद हिज की जगह हर आ जाएगा हर डॉटर इन द सेम वे आपको ये कंप्लीट करने हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ ये तमाम आपको चेंज करने हैं इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टॉपिक सी इज चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन फ्रॉम मस्कुलिन टू फेमिन आप जो दिए हुए हैं ये जेंडर मस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करना है लॉयन लाएन, लाइनस काव बुल हॉस्ट हॉस्टेस इन सभी को आपने मेल से फीमेल यानी कि मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करना है इज इट क्लियर ओके एंड नेक्स्ट इज इसमें जस्ट अपोजिट है यानी फेमिनिन को आपको मस्कुलिन में चेंज करना है सेल्स वोमेन सेल्स मैन मिल्क मेड मिल्क मैन आपको इन ट्वेंटी फोर को भी चेंज करना है ओके नेक्स्ट ई द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव एरर्स ऑफ जेंडर एंड प्रोना और प्रोनाउन इसमें जेंडर और प्रोनाउन के कुछ एरर्स हैं सर्किल द एरर एंड द सेंटेंस करेक्टिस एरर को सर्किल करो और इसे फिर दोबारा से लिखो द किंग सेंट ए रिटर्न मैसेज टू हर वाइफ यहाँ पर राजा ने भेजा एक रिटर्न मैसेज टू हर वाइफ अपनी पत्नी को अब हर हर वाइफ हर वाइफ कैसे हो सकता है वाइफ तो किसी किंग की वाइफ है यह हर की जगह इसे सर्कल करेंगे और हिज करेंगे हिज क्योंकि मैन के लिए किंग के लिए हिज वर्ड का यानी प्रणाम यूज होगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा द किंग सेंटे रिटर्न मैसेज टू हिज वाइफ ऐसे ही आपको ये बाकी सेंटेंसेस करने हैं देख करके एंड हेयर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर इज वॉट जेंडर एंड जेंडर में हमने पढ़ा हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर फर्स्ट इज फर्स्ट इज मस्किन फैमिन एंड न्यूटर एंड कॉमन जेंडर फोर जेंडर्स आर देयर And here is the end of this chapter. Thank you for watching and being with me. Video ko like zarur जरूर करें kare करें एंड अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सैनरा एडवांस एजुकेशन तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू अगेन